स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। पहुंच चुके हैं हम तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि तराई वाला इलाका है। पहाड़ी नाले, नेपाल की तरफ से आने वाला पानी यहाँ पर बाढ़ का कारण बनता है। तटबंध कमजोर हो जाते हैं, जिससे जल जमाव रहता है। और क्या मुद्दे लोगों के हैं, सीधा जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं। यही है कि जो प्रधानमंत्री उन्हीं को हम लोग विजय बनाएंगे, और क्या। क्या बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया? जैसे लैट्रिन है, शौचालय, ये सब विकास काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हम तो चाहते हैं यही सरकार आनी चाहिए। महंगाई तो चलती रहेगी, कोई सरकार नहीं ऐसे ही कर पाएगी। भाजपा आएगी। क्या अच्छा है भाजपा में? सब कुछ अच्छा है। जैसे? थोड़ा सा महंगाई जरूर हो गया है, लेकिन करप्शन पर नियंत्रण हुआ है, गुंडा राज खत्म हो गया है, सड़कें बन रही हैं, अच्छी बिजली आ रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं पूरे आलूपी में। और क्या चाहिए पब्लिक को? बेरोजगारी तो नहीं है, जो काम नहीं करना चाहेगा तो चिल्लाएगा बेरोजगारी है। फ्री में सरकार बैठा के तो खिलाएगी नहीं, फ्री खाने वाले कहेंगे बेरोजगारी है, काम करेगा उसको बेरोजगारी नहीं है। योगी जी के फैसले जो धड़ाधड़ हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, उनकी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। सरकार तो यही राज्य है। क्या अच्छा लग रहा है आपको, जो आप कह रहे हैं दोबारा यही रहेगा? अरे विकास कर रहे हैं, गल्ला वल्ला और कुल योजना कुल बहुत डेट है, गल्ला डेट है और काम डेट है। बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा है उठ के, तो मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी इतना जल्दी हटेगा तो है नहीं। बेरोजगारी काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म में चलेगा, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि किसी तरीके से ज़्यादा ज़्यादा रोजगार लाने चाहिए लोगों के बीच में, रोजगार लाने चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी जो पढ़ के अब नए ग्रेजुएट वगैरह लड़के जो हैं पास हो रहे हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। परिवर्तन जो सुविधा अरविंद केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में मिल रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जो दिल्ली की छोटे राज्य में दिया जा रहा है, जो केंद्र शासित राज्य है, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हमको दिल्ली ऐसी सुविधा उत्तर प्रदेश में चाहिए। ऐसी जो भी सरकार हो उसका चयन करना हम लोगों का कर्तव्य। मतलब फ्री बिजली चाहिए? फ्री बिजली चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं का फ्री किराया चाहिए। किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, जो छोटा जानवर घूम रहे हैं रोड पे और खेत में, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है उससे और खेतों में प्रॉब्लम हो रही है। अगर उस पर थोड़ी सी लगाम लग जाए, कोई बढ़िया प्रयास हो जाए तो योगी जी की कंडीशन अच्छी है। विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुख्य मुकाबला रहा है। 1985 से लेकर अब तक कांग्रेस यहां पर नहीं जीत पाई है। 2017 में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे कैलाश नाथ शुक्ल ने यहां से अपनी बड़ी जीत दर्ज की थी। गोरक्षनाथ पीठ का शक्तिपीठ होने के कारण यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी असर रहता है। यहां के विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखते हैं और यहां उनका अक्सर आना जाना भी रहता है। देखिए समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ती ही रहेगी जी, समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ती रहेगी, उस पर क्या आया? अगर दूसरा सरकार होता उसमें भी महंगाई बढ़ती, ये तो है नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ सकती। अब वो पता चले जो सामान सन 70 में मिल रहा था वो 2021 में कैसे आप पैदा होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो महंगाई तो बढ़ना तो स्वाभाविक है। सियासी मूड बन रहा है यही कि अब कुछ परिवर्तन लाना है। हाँ, परिवर्तन लाएंगे आप तो कौन पसंद है? योगी आदित्यनाथ आप चाह रहे हैं कि दोबारा ना आए, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी या कोई और? देखिए अखिलेश यादव ही कुछ अच्छे दिखाई पड़ते हैं। भाजपा के हैं, जनसंघ के थे, भाजपा के हैं तो भाजपा को वोट देंगे। क्या पसंद है कामकाज में? अब उनके जितने भी काम हैं, विकास के काम हैं, शिक्षा में हैं, रोजगार में हैं, बिजली, सड़क, कृषि, किसानों को सहायता, ये सब सारे कार्य उनके सराहनीय हैं, इसलिए हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। क्योंकि भाजपा हर चीज़ में बहुत एग्रीव है, उसने जो कहा अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण किया। रोड देख लीजिए, उन्होंने कहा कि रोड आप बनवा के देंगे, रोड बनवा के दिया। वेल अप टू डेट, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आपको ये नहीं लगेगा कि हम खड़ंजे पे चल रहे हैं। गली गली में जाइए, गली गली में आप ये नहीं कि कीचड़, आपके पैर में कीचड़ लगेगा। शौचालय की व्यवस्था भाजपा ने करवाया,
उज्ज्वला गैस सिलेंडर की व्यवस्था भाजपा ने करवाया, किसानों को 6000 रुपए पर ईयर भाजपा दे रही है, अब और क्या ले लोगे? यहाँ महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो जितने भी चुनाव होंगे उसमें महंगाई का और बेरोजगारी का ये तो सिस्टम बन गया है कि मुद्दा उठाना है और पार्टी को गिराना है। जनता परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जिसका जवाब नहीं, खाने पीने को लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो चेंज हो वही अच्छा रहेगा, सही रहे। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी या कोई और? मैं तो अखिलेश के वर्ग को अच्छा मानता हूँ, उनको आना चाहिए। उनके कौन से फैसले आपको पसंद आए? अरे उनके सारे फैसले, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसला, रोड का फैसला, और जो गरीबों के हित में योजनाएं चलाई गई वो फैसला, तो उनके फैसले करीब करीब ठीक ही रहे जो जनहित से कनेक्टेड।